हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है करवा चौथ मेकअप लुक के, आप किस तरीके से ये करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ मैंने लैक्टोकैलामाइन का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ प्राइमर अप्लाई किया है NYBA का प्राइमर, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्स की कंसीलर स्टिक अपने आई स्लिट पर, ताकि जो मेरी आई शेडो हैं काफ़ी वाइब्रेंट लुक दें और काफ़ी उभर कर आए। फिर अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अब इसको एक लूज़ पाउडर के हेल्प से सेट करना भी ज़रूरी है, ताकि कोई क्रीज लाइन ना रहे। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल के आई शेडो पैलेट, एंड आई शेडो पिक करके अपने आउटर वी से इनर वी तक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ये जो आई शेडो लुक मैंने क्रिएट किया है, ये आप किसी भी आउटफिट के साथ रेडी कर सकते हैं, बिकॉज ब्राउन आई शेडो एंड सिल्वर या रोज़ गोल्ड आई शेडो सभी आउटफिट के साथ मैच करता है टोटली। तो मैंने यहाँ अपने आउटर वी से इनर वी तक मैंने अदर डार्क ब्राउन आई शेडो अप्लाई करा, एंड मिडल पार्ट पर मैंने लाइट पिंक आई शेडो अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। देखिए, जो लिक्विड आई शेडो है उसको लगाते ही जो लुक है वो कितना प्रीटी लुक दे रहा है, काफ़ी शाइनी लुक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं आईलाइनर। आईलाइनर के लिए यहाँ मैंने ये 30 रुपीज़ का आईलाइनर यूज़ किया है। जो आपने नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं हॉल। तो और विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ कराया, और फिर मैंने यहाँ अप्लाई की है फेक आईलैशेस। उसके बाद मैं यहाँ अपनी आईब्रोज ड्रॉ करूँगी स्विस ब्यूटी आईब्रो पाउडर के हेल्प से। जो ये आईब्रो पाउडर है और जो इसमें ये 2-in-1 है, इसमें जेल आईलाइनर भी है और काफ़ी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल के साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है सो मच बेटर, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फिट मी फाउंडेशन के 2 शेड्स, शेड नंबर 138 एंड 128, दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई करा है, क्योंकि एक मेरी स्किन से ज़्यादा ही लाइट है और एक ज़्यादा ही डार्क है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप उसको ही ना लगा लीजिए, क्योंकि फिर वो बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देने वाला है। आप मिक्स करके अपनी स्किन से मैच करने के बाद अप्लाई करना, तो वो आपकी स्किन से परफेक्टली मैच होगा। और अपने ईयर्स एंड नेक को स्किप ना करें, वहाँ पर भी फाउंडेशन अप्लाई ज़रूर करें। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं यहाँ अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज लूज पाउडर, एंड अप्लाई करूँगी अपने टी जोन एरिया पर। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी नाइन की ब्लश पैलेट, एंड ब्लश अप्लाई करूँगी अपने एप्पल ऑफ चीक्स पर, ताकि एक पिंक ग्लो मिल सके मेरे मेकअप को। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की सिमर ब्रिक हाइलाइटर पैलेट, एंड अप्लाई करूँगी चेक बोन्स पर, फोरहेड पर, माई नोज, चिन, ताकि एक शाइनी लुक मिल सके मेरे फेस को। सेम हाइलाइटर के हेल्प से मैं अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी, एंड उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सुगर का ब्रोंजर, एंड उसका शेड है टॉप ए टॉप, आप कंटूर भी कर सकते हैं। एंड मैं ब्राउन आई शेडो के हेल्प से भी अपनी नोज़ कंटूर करूँगी, क्योंकि कंटूर करने से जो हमारा फेस फीचर्स हैं वो काफ़ी उभर कर आते हैं, एक 3D इफेक्ट मिलता है हमारे मेकअप को। एंड उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYBA की वाइट काजल पेंसिल, एंड अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी ब्लैक
आई शेडो ताकि मेरी काजल भी स्मच फ्री रहें एंड वाइट एंड ब्लैक लुक आए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ अपने विंग आईलाइनर को हाईलाइट कर रही हूँ एक सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर के हेल्प से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई की है मैरून रेड लिपस्टिक, ब्लड लिपस्टिक। आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझको ये शेड पसंद है इसलिए मैंने ये अप्लाई करा है। एंड इसके बाद मैंने वियर किए हैं इयररिंग्स एंड सिंदूर लगाया है एंड रेड बिंदी के साथ कंप्लीट होता है मेरा करवा चौथ मेकअप लुक, जो बहुत ही ईजली तरीके से मैंने क्रिएट किया है। आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।